आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जनसभा को आपका संदेश देने के लिए आमंत्रण करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तेलंगाना बीजेपी ने आशीर्वादी ने चटानी की यथो दूरं नुंडी वच्चिना प्रति कार्यकर्ता को सोदरा सोदरी मनुलको मातु मुथुलको ना नमस्कारम। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सदस्यगण, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री, तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष पंडित संजय कुमार, भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सांसद विधायकगण, अन्य महानुभाव और तेलंगाना के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे तेलंगाना का स्नेह यहां इस मैदान में ही सिमट आया है। तेलंगाना के अलग अलग जिलों से आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इस स्नेह के लिए, इस आशीर्वाद के लिए मैं तेलंगाना का अभिनंदन करता हूं, तेलंगाना की धरती को वंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों के स्नेह को ध्यान में रखते हुए ही हमने इस बार भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में कराने का फैसला किया था। बीते दो दिनों से यहां देश भर से भाजपा के प्रतिनिधि, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आपके इस प्यार को, इस स्नेह को अनुभव कर रहे हैं। जिस तरह हैदराबाद शहर हर टैलेंट की उम्मीदों को नई उड़ान देता है, वैसे ही भाजपा भी देश की आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इसलिए आज जब हम 21वीं सदी के समर्थ, सशक्त, आत्मनिर्भर भारत के रोडमैप पर काम कर रहे हैं, तब हैदराबाद में हुए भाजपा के इस मंथन का विशेष महत्व है। साथियों, तेलंगाना के लोग पूरी दुनिया में कड़ी मेहनत
और देश के विकास के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना में कला, कौशल, कर्मठता भरपूर है। तेलंगाना प्राचीनता और पराक्रम की पुण्यस्थली है। यहां भद्राचलम में श्री राम से लेकर यादाद्री में श्री नरसिम्हा तक, आलमपुर में जोगुलांबा से लेकर वरंगल में भद्रकाली तक, इस पवित्र भूमि से ईश्वरीय आशीर्वाद हमारे भारत पर अविरल बरसते हैं। विश्व प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर से लेकर अद्भुत काकती तोरणम तक तेलंगाना का आर्ट और आर्किटेक्चर हमें गौरव से भर देता है। प्रताप रुद्र से रानी रुद्रमा देवी और कुमारम भीम तक तेलंगाना की इस वीर भूमि के शौर्य और बलिदान की गाथाएं अतुलनीय है। भद्राचलम रामदासु से लेकर पालकुरी की सोमनाथ तक, यहां के काव्य का माधुर्य, यहां के साहित्य का सौंदर्य पूरे भारत के लिए अमूल्य निधि है। इस धरती की ये आस्था, ये श्रद्धा और ये विरासत हमें जन जन की सेवा के लिए समर्पण की ऊर्जा देती है। इसलिए साथियों, ऐसे तेलंगाना का विकास, चौतरफा विकास भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम तेलंगाना के विकास पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, बीते 8 वर्षों में हमने हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। देशवासियों का जीवन कैसे आसान हो, विकास का लाभ कैसे हर व्यक्ति, हर क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है।